अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ फभिया अंसारी। जनपद फिरोजाबाद के थाना शुकुहाबाद के पास ग्राम वासुदेव मई में आज उस समय हड़कंप मच गया जब रोशन लाल पुत्र रतन लाल के घर एक 10 साल की बच्ची गौरी गैस सिलेंडर पर कुछ बना रही थी, तभी अचानक से सिलेंडर में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान पास के ही एक व्यक्ति ने सिलेंडर को खींचकर तालाब में फेंक दिया। उसी दौरान स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई व तालाब में जलते हुए सिलेंडर की आग पर काबू पाने के लिए फायर सर्विस के पुलिस कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस दौरान हादसा होने से बाल बाल बच गया। देखिए इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता करण कुमार की रिपोर्ट। और आग कैसे लगी थी सिलेंडर में? ऊपर से बंद कर रहे थे, नीचे रह गई थी बंद करने, नीचे बंद करने रह गई थी। फिर तुमने कैसे बताया घर वालों को? हम फिर ताऊ को टेनने गए थे, फिर ताऊ बच के आए थे, भैया कही थी, फिर आग बुझाई थी। बाजदे में आप पहुंचे हैं, सिलेंडर में किस तरह से आग लगी और क्या आग पर काबू पाया गया? ये खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगी तो इन्होंने उसको हड़बड़ में इसमें तालाब में फेंक दिया। तालाब काफ़ी गहरा है जिसमें ये बीच तालाब में पहुंच चुका है। इसको प्रयास ये कर रहे हैं किनारे पे आए, वैसे ही इसको बुझा दिया जाएगा। और भीतर पानी काफ़ी है जिसमें घुसने के लिए कोई भी आदमी तैरने वाला हो तो भले ही, नहीं तो ये किनारे पे आ रहा है धीरे धीरे, इसको प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह से जो आशंका जताई जा रही है कि इस समय जो अभी इसमें आग जल रही है तो यहाँ कोई और भी कोई वजह हो सकती है इसमें? नहीं, नहीं, ये कोई वजह नहीं है, बस ये गैस निकल रही है और लगातार रेगुलेटर से और वो जल रही है और ये फटने का कोई अंदेशा नहीं है इसका।